हेलो गाइस, मैं नाम मनु और आप सभी का स्वागत है ड्रीम होम ब्लॉग्स पे। गाइस, आज मैं आप सबके लिए 2 BHK का फ्लैट्स जो कि 19 फ्लोर में बना हुआ है और ये जो इसका प्लॉट एरिया है ये तकरीबन 600 मीटर में है और इसमें आपके सामने जो दिखाई दे रही है वहाँ पे आपकी लिफ्ट है और एक फ्लैट यहाँ है। मतलब टोटल 3 फ्लैट इस साइड में है और 3 फ्लैट इस साइड में है। जहाँ मैं खड़ा हूँ इस साइड में आपका यहाँ पर 2 BHK का फ्लैट है और इस साइड में 2 BHK का फ्लैट है। और मैं बात करूँ 2 BHK के फ्लैट के बारे में जो कि इसके एंट्री यहाँ से, जो ये वाला फ्लैट है ये आपका 26 मीटर रोड पे है और जो ये वाला रोड फ्लैट है ये आपका 9 मीटर रोड पे है। अब मैं बात करता हूँ इस फ्लैट के बारे में, तो आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ। यहाँ से एंट्री है इसकी, यहाँ पे आपका दरवाजा आएगा। अभी फ्लैट अंडर फिनिशिंग में है और एंट्री करते के साथ ही हमारे लेफ्ट हैंड पे एंट्री है जो कि मतलब पहला बेडरूम है। इसके अंदर आपको अभी सारा काम करवा के हम देंगे। अभी इसमें काम चल रहा है, इसमें फोन सेलिंग का काम, लाइट, बिजली, पंखे का सारा काम मिलेगा आपको। दीवार पे टिक्चर पेंट या वॉलपेपर लगा कर देंगे हम। और ये जो कमरा है साइज इसका होगा तकरीबन 10x11 या 12 के आसपास होगा। साइड में इधर अलमीरा लगी हुई है क्योंकि अभी ये थोड़ा सा काम चल रहा है, इस वजह से टाइल्स की गिनती नहीं कर पा रहा हूँ मैं। इस साइड में आपकी अलमीरा लग रही है, यहाँ पे सामने अलमीरा का काम हो रहा है इस साइड में। और यहाँ से आपकी एंट्री ऊपर फॉल सीलिंग का सारा काम हो रखा है। इसमें आपकी लाइटिंग का काम और पंखे का काम, बिजली का सारा काम करवा के देते हैं हम। सेमी फर्निश्ड होता है ये। और इस साइड से अगर मैं बात करूँ, अगर एंट्री करूँ आपको, तो भाई यहाँ से जैसे हम एंट्री करते हैं तो इस साइड में हमारा होल आता है। ये पूरा का पूरा आपका होल है। और ये जो अभी इसमें आपका यहाँ पे सामने ओपन किचन बनेगी यहाँ पे आपकी, और साइड में एक कमरा है आपका और सामने आपकी बालकनी है और सामने आपके मेन रोड है, 26 मीटर की रोड है। इस साइड में आपका वॉशरूम है यहाँ पे और एक वॉशरूम उस कमरे में दे रखा है हमने, ठीक है। और इधर से अगर मैं बात कर लूँ आपको, तो यहाँ पे वॉशरूम आएगा आपका और यहाँ से आपके भी वॉशरूम में कोई नहीं भैया साथ में। हाँ, बता देंगे क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। इसमें यहाँ पर आपका कॉर्नर का सोफा भी आ सकता है, 7 सीटर 9 सीटर जो भी है आपका। ये पूरा जो साइज अगर मैं ड्राइंग रूम का काउंट करता हूँ तो अप्रॉक्स ये आपका 10x16 का साइज है, ठीक है। इसमें आप आराम से 7 सीटर 9 सीटर सोफा मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। साथ में इसमें किचन जो है, किचन हमारी 4x6 की किचन है, 4x6 की रेडी किचन है। उसके बाद अलमीरा वगैरह का सेक्शन जो आता है वो आपका अलग आता है। इसमें हम आपको चिमनी लगा के दे रहे हैं, आरओ के पॉइंट्स रेडी करके दे रहे हैं। उसमें हमारी आरओ नहीं आएगी, सैनिटरी की पूरी फिटिंग आपको किचन में रेडी मिलेगी। इसमें आपको चिमनी और आरओ लगा कर दिया जाएगा, जैसे कि हम हर फ्लैट में चिमनी आरओ लगा कर देते हैं, इसमें भी आपको चिमनी और आरओ लगा कर मिलेगा। हाँ भैया, ड्राइंग रूम में ये आपका विंडो एसी का ऑप्शन है, आप विंडो एसी यूज करना चाहते हैं, ये शाफ्ट स्पेस है, आप विंडो एसी यूज कर सकते हैं। साथ ही में ऊपर में इसके लिए हम आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट भी दे रहे हैं, जिससे कि घर में छोटा बच्चा होता है वो आपका इलेक्ट्रिक पॉइंट में हाथ ना डाल सके। विंडो एसी तो तीनों में आ जाएगा भैया, दो रूम्स में आएगा, और यहाँ पे वाला जो रूम है बालकनी वाला और एक ये वाला रूम, और उसमें वाले रूम में अगर आपको लगाना है तो स्प्लिट एसी आप लगा, ठीक है, ठीक है। ये MIG फ्लैट है, 2 BHK फ्लैट है, तो इसका दूसरा रूम जो आता है ये आता है, इसको हम मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इसके अंदर हमारा अटैच टॉयलेट है। ये वॉशरूम है इसका। इस रूम का साइज आपका 11x12 का है, 11x12 का रूम साइज है। अलमीरा इसमें हम आपको दे रहे हैं, इधर आपका बालकनी है और ग्रीनरी एटमॉस्फेयर आप देखेंगे तो जबरदस्त, ठीक है। ये इसकी बालकनी है पूरी की पूरी यहाँ से आपकी। ये कब तक ये फ्लैट रेडी टू मूव हो जाएगा? ये हम अगस्त के लास्ट में हम परमिशन दे रहे हैं इस फ्लैट की, और उससे पहले या उसके बाद अगर आपको चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि मेरे को नवरात्रों में शिफ्ट होना है तो आप बुकिंग करा के छोड़ सकते हैं, आप नवरात्रों तक अपना परमिशन मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। जो रोड 26 मीटर की रोड है, ये 24 मीटर की, ओके, 4 मीटर की रेडी रोड है। वैसे अगर मैं काउंट करूँ तो अप्रॉक्स 40 मीटर की ये रोड है, ठीक है। पीछे वाला भी सेम बना हुआ है, पीछे वाला भी सेम एज इट इज, मिरर इमेज बनी हुई है। वो जो है वो 9 मीटर रोड के फ्रंट पे है, उसको भी दिखा दीजिए। चलिए भैया, इसकी डिमांड वमांड जो रखी है क्या रखी है आपने? इसकी डिमांड जो है हमारी 24 मीटर फ्रंट पे ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर की डिमांड हमारी 36 लाख रुपीज है, ठीक है। वहीं अगर हम 9 मीटर रोड पे अपर ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं तो उसकी डिमांड हमारी 34 लाख रुपीज है, ठीक है। वहीं अगर हम 24 मीटर फ्रंट पे टॉप फ्लोर पे चले जाते हैं तो हमारी डिमांड प्राइस जो है वो 32 लाख रुपीज पहुंच जाती है। अच्छा, ये कमरा एक है, ये एक रूम है, सेम मिरर उसका, जैसे मैंने बोला कि मिरर इमेज है। ये पूरा फॉल सीलिंग काम ऊपर हो रहा है, साइड में आपका पूरी लाइटिंग इसमें आएगी अंदर, और पंखे का सारा काम होकर मिलेगा आपको। यहाँ पे अपनी थोड़ी सी साफ दे रखी है इस साइड में, और यहाँ पे सामने मिरर है, ठीक है ना भैया? ठीक है। अगस्त
अगस्त एंड तक डेफिनेटली शॉल में इसकी परेशान आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी कॉर्नर आ रही है, कॉर्नर में आप अपना आइटम पेपर आ सकते हैं। यहाँ पर आप एल्फिस कूपर डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला था लास्ट लैक्स में भी, 7 सीट का 9 सीट का जैसे मर्जी आप सोफा यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया आपको बनाना है, यहाँ पे कर्टेन का सेपरेशन करके आप अपना डाइनिंग एरिया भी यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि ड्राइंग रूम का साइज मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। अभी ये किचन जो है काम चल रहा है किचन का, अगर कोई चाहता है पार्टी की, हाँ आगे किचन में थोड़ा सा काम करवाना साइड से, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये किचन आपका है भैया, ये किचन आपके सामने आपका यहाँ से, और ये दूसरा चिमनी का जो पाइप होगा वो उसमें से निकल जाएगा। ठीक है, हाँ इजीली वेंटिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका मास्टर बेडरूम आ गया। अच्छा, कितने बाई के रूम होगा भैया ये? 11x12। अच्छा, 11x12 का रूम है, वही पूरा फॉल सीलिंग का सारा काम करके मिलेगा, पंखे वंखे लगा के मिलेंगे सब कुछ, पंखा लाइट सैनिटरी फिटिंग पूरी पूरे फ्लैट में आपको कंप्लीट होकर मिलती है। ठीक है, ये इसका वॉशरूम, अटैच वॉशरूम, हाँ अगस्त लास्ट का सारा काम हो जाएगा इसका, अगस्त के लास्ट का सारा पोजीशन मिल जाएगी लोगों को। है ये जो ऊपर इसमें तो अभी फॉल सीलिंग का छत बनेगा, इसमें फॉल सीलिंग सारी होगी। ठीक है, इधर ये बालकनी है इसकी, इधर इसकी बालकनी है, बालकनी के साइज की अगर मैं बात करूं तो और इसके यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, बिजली का ड्रेनेज पाइप है, तीनों चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, और ये रोड है 9 मीटर की, भैया 9 मीटर की रोड है। ठीक है, लिफ्ट भी लगी हुई है इसमें, लिफ्ट है, 8 पैसेंजर की लिफ्ट है। ठीक है, पार्किंग भी रखी है इसमें भैया। ठीक है गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये बताना कि आपको वीडियो में अभी इसमें काम चल रहा है, अगर कुछ चाहते हो आप चेंजेस करवाना, अगर प्रॉपर्टी समझ में आ रही है आपको, आके विजिट कर सकते हो, सजग भैया थे ये, और आपको विजिट करवा देंगे ऑफिस पे आके, और आपको हम बता देंगे जो भी कुछ चेंजेस करवाना है इसमें, तो आपको वो चेंजेस करवा के मिल जाएगा सारा चीज़। और अभी इसमें अपने पास भैया कौन कौन से फ्लोर बचे हुए हैं इसमें? इसमें अपर ग्राउंड भी बचा है, फर्स्ट भी बचा है, सेकंड भी बचा है, और थर्ड पे फ्रंट वाला बचा है। थर्ड पे रूफ मिलेगा? थर्ड पे रूफ मिलेगा। ठीक है, थर्ड पे आपको रूफ मिल जाएगा, विद रूफ में मिलेगा फ्लैट आपको, तो अभी आप आकर और विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं फ्लैट्स को कि किस प्रकार से बने हुए हैं ये। इधर भैया जो इधर क्या बना हुआ भैया, 3 BHK बने हुए इधर? इसमें 3 BHK सामने लिफ्ट आ जाएगी, सामने लिफ्ट आ जाएगी। नीचे पार्किंग दिखा देते हैं, बिल्कुल पार्किंग दिखा देते हैं, आ जाओ। कितने मीटर का प्लॉट भैया ये? 600 मीटर का प्लॉट है। पार्किंग में कोई टाइल्स लगे हुए हैं? पार्किंग में टाइल्स वगैरह सब कुछ कम्प्लीट हो गई है। पार्किंग टू साइड ओपन रहेगी ना? पार्किंग एक तरफ से पूरी ओपन रहेगी, और एक तरफ हमने शॉप्स बनाई हैं, इसमें शॉप सारी हमारी सेल आउट हो चुकी हैं, 4 शॉप है पूरी बिल्डिंग के अंदर। यहाँ पे गेट आ जाएगा, यहाँ पर ये बीच का ये आपका गेट आ जाएगा। ठीक है, और बाकी अपना टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स की अगर मैं बात करूँ, हाँ, तो बिल्डिंग के अंदर 32 फ्लैट्स हैं, एक फ्लोर पे 8 फ्लैट बने हुए हैं, 6 3 BHK हैं, 2 2 BHK हैं। अच्छा, टोटल 32 फ्लैट्स हैं, और 32 की पार्किंग के लिए सफिशियंट स्पेस हम लोग के पास अवेलेबल है। ठीक है, तो गाइस ये पूरा फ्लैट है, उसके नीचे की पार्किंग है ये, और सामने लिफ्ट आएगी भैया, सामने 8 पैसेंजर की लिफ्ट आएगी, आप स्पेस देख सकते हैं लिफ्ट का, चलिए। तो अब भी मतलब 2 BHK में अपने पास कौन कौन से ऑप्शन है? अपर ग्राउंड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे भी एक फ्लैट बचा हुआ है। ठीक है, और सामने रोड है 26 मीटर की रोड है भैया, 24 मीटर की रोड है सामने जो रोड है वो, 24 मीटर की रोड है, जो इधर साइड में रोड है ये 9 मीटर की रोड है। ये पूरा जो प्लॉट है 600 मीटर में प्लॉट है, तो आपको पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। सामने कमर्शियल एक्टिविटी की दुकानें बनी हुई है, दुकान सारी सोल्ड आउट है। ठीक है, तो गाइस अगर कुछ भी आपको सवाल सुझाव मन में हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो प्रॉपर्टी को रिकॉर्डिंग इसके, तो आप कमेंट बॉक्स में कर लीजिए, बाकी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए हमें, और ये सजग भी आते हैं हमारे, विजिट करवाते हैं ही और साथ में ही है अपने, और आपको अगर आप प्रॉपर्टी पर आओगे तो इनका भी नंबर डाल दूंगा नीचे में डिस्क्रिप्शन में, आप सीधा इनसे बात कर सकते हो, और कुछ भी सवाल हो आपके मन में, कुछ भी सुझाव हो, या कहीं भी प्रॉपर्टी चाहिए आपको वसुंधरा में, तो हमें बताना, हम उसकी वीडियो आपको ले आकर आएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे,
और अब हफ्ते में हमारे पास 3 वीडियो आती थी, हफ्ते में 4 से 5 वीडियो डालते रहेंगे आपको। तो चलो सब्सक्राइब कर लेना और बताना वीडियो कैसी लगी आपको। धन्यवाद।